1,00,000 pounds, but account has not yet been settled. इसको भी पैसे नहीं दिए. देखो कैश फ्लो है 1,00,000 रुपया, फ्यूचर का है, हाँ है. तीसरी बात क्या थी, कॉज एंड इफेक्ट विद डिसीजन. डिसीजन लूंगा तो ये देने हैं, डिसीजन लेता हूँ कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करता तो क्या ये 1,00,000 देने हैं या नहीं. स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, हर यूनिट पे 1.5 रुपया लगना है, रेलिवेंट है. लेबर हर यूनिट पे 50 पैसे लगनी है, रेलिवेंट है. वेरिएबल ओवरहेड 50 पैसे लगने, रेलिवेंट है. है दूसरी बात, फ्यूचर का है. हाँ जी, दैट प्रॉपर्टी प्राइस इन्फ्लेशन विल इन, अगर नहीं बेचते रिटेन करते हैं तो 5 साल बाद हमें 3 मिलियन मिलेगा, इसलिए ये रेलेवेंट हो. ठीक है, अच्छा तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं. फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, वो जो रेलेवेंट थी 5,00,000 वाली, पहले साल इंक्रीज होके 5,25 होगी और बाकी. सपोज आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर या आपकी इन्वेंट्री, बंदा जब जवाब दे दे बताएं. अब आपको ये 12.5 रुपए ये वाली स्क्रीन, पहले साल मैंने इन्फ्लेट कर दी पर यूनिट, वो उधर से दरअसल शेयर ही वो वाला हुआ है. मैं अब ये शेयर करता हूँ. ओके ओके, होल्ड ऑन, मैं दोबारा बताता हूँ सारा कुछ. ये देखें, हाँ